जहां पर रमन सिंह ने ओपी गुप्ता को हटाने के लिए पत्र लिखा है पूर्व सीएम एस सचिवालय को। ये चिट्ठी लिखी है, ओपी गुप्ता की समाप्त होंगी सेवाएं। नाबालिग से बलात्कार का आरोप है ओपी गुप्ता पर। फिलहाल रमन सिंह के निजी सचिव हैं ओपी गुप्ता। रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में ओपी गुप्ता थे ओएसडी। और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं संवाददाता रूपेश गुप्ता। रूपेश, जिस तरीके से ओपी गुप्ता पर ये आरोप लगा है उसके बाद उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है उनकी सेवाएं समाप्त की जाए, तो ये कहां तक अगर देखा जाए ये जो पूरा मामला है और कितना खिंचेगा? क्योंकि हो सकता है कि लगातार जो अधिकारी थे उनके शासनकाल में उनके लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामलों से वो जुड़े हुए हैं। अब ओपी गुप्ता भी इसमें जो नाबालिग से बलात्कार के आरोप में फंस गए हैं। देखिए, ये जो नाबालिग से बलात्कार के मामले में ओपी गुप्ता फंसे नहीं है, बल्कि ये मामला सामने देश से आया है। क्योंकि सत्ता में बहुत पावरफुल थे तो नाबालिग शिकायत नहीं कर पा रही थी और इसकी वजह से सारा खेल चलता रहा और वो शोषण का शिकार होती रही। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर रमन सिंह ने करीब हफ्ते भर पहले की यह घटना है, चिट्ठी लिखने में करीब एक हफ्ते का वक्त गुजार दिया। तो राजनीतिक गलियारों में से लेकर के चर्चा है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी देरी क्यों कर दी। लेकिन कुल मिलाकर के लंबे समय तक उनके ओएसडी रहे ओपी गुप्ता, बहुत खसम खास रहे और सरकार जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनको पर्सनल स्टाफ देती है, उस सेवा में थे ओपी गुप्ता, जिसको हटाने की चिट्ठी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भेजी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चिट्ठी में उनको पर्सनल असिस्टेंट यानी कि निज सचिव के पद से हटाने की अनुशंसा की गई है। तो कुल मिलाकर के रमन सिंह ने भी ओपी गुप्ता से पल्ला झाड़ लिया है। अब आने वाले दिनों में ओपी गुप्ता की मुश्किलें और बढ़ेंगी क्योंकि जो आरोप है वो बेहद संगीन है। बिल्कुल जाहिर है, चलिए जानकर के शुक्रिया आपका रूपेश। और आपको बता दें कि रमन सिंह जो जिस तरीके से पूर्व सीएम को सचिवालय चिट्ठी लिखी है पूर्व सीएम ने, तो ओपी गुप्ता की जो सेवाएं हैं वो समाप्त करने को लेकर, क्योंकि वो नाबालिग से बलात्कार के आरोप में फंस गए हैं। अब ऐसे में उनकी मुश्किल हालांकि बढ़ेगी, लेकिन चिट्ठी को लेकर अब सवाल जरूर खड़े होंगे कि इतना वक्त आखिर क्यों पूर्व सीएम ने लिया। रायपुर से